वर्ल्ड कप 2019 में 16 जून को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 89 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा। टीम इंडिया के उपकप्तान ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए 113 गेंदों पर 140 रन की दमदार पारी खेली। इस धांसु पारी में रोहित शर्मा ने 14 चौके और 3 मगनचुंबी छक्के लगाए। रोहित शर्मा की इस पूरी पारी के दम पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 337 रनों का टारगेट दिया। पाकिस्तान आखिर में डकवर्थ लुइस मेथड से 89 रन से मैच हार गया। मैच के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आप क्या सलाह देना चाहते हो। मुस्कुराते हुए रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि अगर मैं पाकिस्तान टीम का कोच बन जाऊँ तो बिल्कुल उन्हें बता दूंगा, अभी मैं क्या बताऊँ। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया।